अमल करते थे, यानी जन्नत तुम्हारे अमाल का बदला है। हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु अव यातिया अम्रु रब्बिक। अब ये लोग जो इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या बाकी रह गया है कि मलाइका ही आ पहुंचे या तेरे रब का फैसला सादर हो जाए। इस तरह की डिटाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं, फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का जुल्म न था बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनके करतूतों की खराबियां आखिरकार उन्हें दामनगीर हो गईं और वही चीज उन पर मुसल्लत हो गई जिसका वो मजाक उड़ाते थे, यानी अल्लाह का अजाब। وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء। मुशरिकीन कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते। अल्लाह ने क्यों आजादी दी थी? अभी हमारा कसूर नहीं, तो अगर आजादी ना होती तो इम्तिहान कैसे होता? ना उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते, यानी ऐसे हुज्जतबाजी है उनकी। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं, यानी ये कोई नई बात नहीं। अल्लाह की मशीयत का बहाना करके लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? यानी लोग तो इस तरह की बातें करते रहेंगे लेकिन पैगंबर का काम क्या हक बता दे और फिर उनको उनकी मर्जी पे छोड़ दे। وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके जरिए से सबको खबरदार कर दिया। यानी अबुदुल्लाह वज्तनिबु ताहूत, ये था हर पैगंबर का बुनियादी मैसेज कि अल्लाह की बंदगी करो और ताहूत की बंदगी से बचो, यानी शैतान के पीछे मत चलो। इसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर गुमराही मुसल्लत हो गई। यानी हर पैगंबर के आने के बाद कौम दो हिस्सों में बट गई, कुछ मानने वाले थे और कुछ इनकार करने वाले। फिर जरा जमीन में चल फिर कर देख लो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हो चुका। यानी फिर दो अंजाम मुख्तलिफ तरह के सामने आए, जैसे दो तरह के लोग थे उसी तरह दो तरह के अंजाम, एक कामयाब होने वाले और दूसरे नाकाम होने वाले। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहे इनकी हिदायत के लिए कितने भी हरीस हो मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे हिदायत नहीं देता, और इस तरह के लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो असल में मदद चाहते भी नहीं और हिदायत पसंद भी नहीं करते। तो अल्लाह ताला का ये कायदा नहीं कि जबरदस्ती किसी को हिदायत दे, उस पर जबर करे। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके नहीं उठाएगा। ये भी वो अपने तौर पर किए जा रहे हैं, उनके पास कोई दलील नहीं है इसकी। उठाएगा क्यों नहीं? ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। और ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह उनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और मुनकरीन हक को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान, तो हमें किसी चीज को वजूद में लाने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता कि उसे हुक्म दे के हो जा और बस वो हो जाती है। والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए, यानी अपने घर बार छोड़ गए, कहते हैं कि इशारा है उन लोगों की तरफ जो हबशा की तरफ चले गए थे, उनको हम दुनिया में ही अच्छा ठिकाना देंगे, यानी वहां फिर वो अमन से रहने लगे। मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम से बच गए, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, यानी जो जितनी बड़ी कुर्बानी करेगा उसको उतना बड़ा सिला मिलेगा। काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं, क्या जान लें कि उनका अंजाम कितना अच्छा होगा। वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। हमने आपसे पहले जब भी कभी रसूल भेजे आदमी ही भेजे हैं, यानी मर्द ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते हैं, यानी अल्लाह ताला खुद ही चुनता है और फिर खुद ही उनको पैगाम देता है। अहले जिक्र से पूछ लीजिए, यानी उलमाए अहले किताब से, अगर तुम लोग खुद नहीं जानते।
यानी कंफर्म कर लीजिए कि क्या पहले भी कभी रसूल आए थे या नहीं। तो जाहिर है कि पिछली किताबों में भी बहुत से रसूलों का जिक्र मिलता है। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा था, और अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया है। किस लिए? वह अनजलना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम की तशरीह करो, वजाहत करो जो उनके लिए उतारी गई। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद इसलिए दिया गया कि आप अमली नमूने से और अपनी गुफ्तगू के जरिए लोगों को इस कुरान पर अमल करना सिखाएं, यानी कुछ चीजें करके दिखाएं और कुछ बताएं। अब मसलन कुरान मजीद में नमाज का हुक्म है, अब उसका अमली तरीका कुरान मजीद में नहीं लिखा हुआ, लेकिन फर्ज है दिन में 5 दफा पढ़ी जाती, तो वो क्या तरीका था जिस पर आपने इस फर्ज को अदा किया? तो आपने उसको वजाहत करके दिखाई और लोगों ने उसको लिया और फिर उस पर अमल किया। इसी तरह ज़कात का हुक्म है, लेकिन कब देनी है, कितनी देनी है, ये सब बातें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलती हैं। इसी तरह मसलन निकाह है, कत्ल का किसास है, और बहुत से अहकामात हैं जिनका हुक्म तो हमें कुरान मजीद में मिलता है, लेकिन तफसीलात नहीं मिलती कि करना कैसे। यानी ये तो है व्हाट टू डू, लेकिन हाउ टू डू ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत से, चाहे वो कौली हो चाहे फेली, उससे पता चलती है। वलअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। फिर क्या, वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बदतर से बदतर चालें चल रहे हैं, इस बात से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे या ऐसे गोशे से उन पर अजाब ले आए जिधर से आने का उनको वहमो गुमान तक ना हो, या अचानक चलते फिरते उनको पकड़ ले, या ऐसी हालत में उन्हें पकड़े जबकि उन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो और वो इससे बचने की फिक्र में चौकन्ने हो। वो जो कुछ भी करना चाहे ये लोग उसको आजिज करने की ताकत नहीं रखते। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही नर्म हो और रहीम है। अवलम यरौ इला मा खलकल्लाहु मिन शैइन यतफय्यअ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइल सुज्जदन लिल्लाह वहुम दाखिरून, और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को भी नहीं देखते कि उसका साया किस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है। क्या खूबसूरत बात है, कभी साया देख के हमें ये ख्याल नहीं आता कि साया सजदे में पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज का हमने साया बनाया, और वो साया उसका भी एक मकसद है कि वो अल्लाह के हुजूर झुका हुआ है। यानी वो चीज अगर खुद नहीं जमीन पर झुक सकती तो उसका साया झुक के अल्लाह की इताअत का इजहार कर रहा है, और वो सब के सब इस तरह इजहार इज्ज कर रहे हैं। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा फिल अर्द मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून, जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका हैं, सब अल्लाह के आगे सर बसजूद हैं। यानी सिर्फ मादी चीजें नहीं, बहुत से जानदार भी अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और वह हरगिज सरकशी नहीं करते। यखाफून रब्बहुम मिन फौकहिम व यफालून मा युमरून, अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक काम करते हैं। यहां पर सजदा वाजिब हो गया। अब आप देखिए कि कोई भी चीज, उसको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया वो वही कर रही। सूरज, चांद, सितारे, हवाएं, बादल, दरिया, पहाड़, पहाड़ों के अंदर की मखलूक, जमीन पे चलने वाले जितने भी कीड़े मकौड़े, परिंदे, सब के सब अल्लाह के हुक्म के ताबे और उसी काम में लगे। वही खाते हैं जो अल्लाह ने खाने के लिए कहा है उनको, जो उनके हिस्से में रखा है। वो ये नहीं करते कि दूसरों की चीज में मुदाखलत करें। अपने अपने स्फीयर में, अपने अपने मैदान में, अपने अपने काम में है। लेकिन इंसान इन सब चीजों को देखकर सोचे, गौर करे कि वो अल्लाह का कितना फर्माबरदार है और वो अल्लाह की सारी नेमतें पाकर उसके साथ क्या मामला कर रहा है। अल्लाह का फरमान है कि दो इलाह ना बना लो, इलाह तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। दो की बात इसलिए की गई कि अगर दो मना है तो दो से ज्यादा तो जितने भी है वो सारे ही मना है, यानी मिनिमम फिगर एक के बाद दो ही है। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और खालिसतन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे, किसी और से डरोगे?
वमा बिकुम मिन नअमतिन फमिन अल्लाह, तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो। और ये कितनी बड़ी हकीकत है कि आम हालात में अगर इंसान अल्लाह को भूला भी रहे तो तकलीफ में तो वह अल्लाह ही की तरफ जाता है, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है, मुश्किल आसान कर देता है, तो यकायक तुम में से एक ग्रोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है, फिर औरों के गुण गाने लगता है औरों के नाम की नजरों न्याज देने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, यानी कितने दिन तुम ये सब हरकतें करोगे। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं है उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं, यानी उनकी नजर न्याज और उन पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए अल्लाह ताला की पैदावार, जो अल्लाह ने पैदा की चीजें, उसमें से खर्च करते हैं। खुदा की कसम जरूर तुमसे पूछा जाएगा, ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुभान अल्लाह, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें, यानी अपने लिए तो बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह के लिए इन्होंने बेटियां मुकर्रर कर रखी हैं। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। और इनका अपना हाल क्या है, वह इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्था ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलौनस छा जाती है और वो बस खून का सा घोंट पी के रह जाता है, लोगों से छुपता फिरता है इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए, सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हकम हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से मुत्तसिफ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते, रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे बरतर सिफात है, वही सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। यानी अहले अरब की यहाँ एक बहुत बड़ी बुराई या उनकी बुरी रस्म का जिक्र किया जा रहा है कि जिसमें औरतों को वो कोई मकाम नहीं देते थे और उनके चंद कबाइल बेटियों को पैदा होते ही जमीन में जिंदा ही दफना देते थे, मार के भी नहीं, और ये इंतहाई वहशियाना और जालिमाना रस्म थी उनकी। फरमाया कि तुम अपने काम देखो कि कर क्या रहे हो, और क्यामत के दिन इन सब चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा, तुमसे हिसाब होगा, ये अल्लाह की मखलूक है, तुम्हें मारने का हक किसने दिया। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज्यादती पर फौरन ही पकड़ लिया करता तो रूए जमीन पर किसी मुतनफिस को ना छोड़ता। अच्छा बाज़ वक़्त ऐसा होता ना, जब इस तरह के जुल्म सितम दुनिया में हो रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कहाँ है अल्लाह, क्यों नहीं पकड़ता इन जालिमों को, अगर वो होता तो आज ये लोग ये ना कर सकते। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला हर एक को मोहलत देता है, जालिम को भी देता है और दूसरों को भी। अच्छा करने वाले भी करें और बुरा करने वाले भी अपना काम कर लें, पर एक दिन आएगा जब वो सबका हिसाब लेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर जालिम जुल्म करने के लिए कोई मोहलत पा रहा है तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता यानी कि कोई अल्लाह मौजूद नहीं। अगर अल्लाह ताला इस तरह लोगों को पकड़ने लग जाए तो फिर तो कोई बचे ही ना, क्योंकि हर शख्स किसी ना किसी तरह का कोई जुल्म कर ही रहा होता है। लेकिन वो सबको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है, फिर जब वो वक्त आ जाता है तो उससे कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वो चीजें अल्लाह के लिए तजवीज कर रहे हैं जो खुद अपने लिए इन्हें नापसंद है, और झूठ कहती है इनकी जबाने के इनके लिए भला ही भला है। इनके लिए तो एक ही चीज है और वो है दोजख की आग। यानी ये गलत काम भी करते हैं और बड़ी खुशफहमी में भी हैं कि इनको कुछ नहीं होगा, जरूर ये सबसे पहले उस आग में पहुंचाए जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि जुल्म करके फिर कहीं भाग निकलें। अल्लाह की कसम आपसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं, और पहले भी यही हुआ कि शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा बना के दिखाए और रसूलों की बात उन्होंने मांग के ना दी। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के मुस्तहिक बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम उन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो इसे मान लें। यानी किताब के नुजूल का एक मकसद ये भी है कि लोगों के इख्तलाफात को दूर किया जाए और उनको एक नुक्ते पर जमा किया जाए, और वह है अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी। फिर अल्लाह ताला मज़ीद कुछ निशानियां दिखाते हैं। वल्लाहु अंज़ल मिनस समाइ माअ, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में उसकी बदौलत जान डाल दी। यानी कितनी हैरत की बात है
कि सूखी मट्टी होती है, लेकिन जब उसमें पानी आता है तो वो उभरने लगती है, उसमें से खुशबू आने लगती है, पैदावार निकलने लगती है। तो ये कितना बड़ा अल्लाह ताला का एक मुजज़ा है, एक बहुत बड़ी निशानी है अगर इंसान इससे सबक हासिल करे। और इस निशानी का बार बार कुरान मजीद में इसलिए भी जिक्र किया जाता है कि इंसानों की पैदाइश भी इसी तरह होगी कि मरने के बाद जो बिल्कुल मट्टी में मिल जाएंगे तो अल्लाह ताला अपने हुक्म से दोबारा उनको जिंदा कर लेगा। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए, यानी जो अल्लाह की बात सुने वही गौर व फिक्र कर सकते हैं। वह इन्ना लकुम फिल अनामिला इब्रा, तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है, उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान तुम्हें एक चीज पिलाते हैं, यानी खालिस दूध जो पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। यानी आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इन मवेशी जानवरों की शक्ल में कैसी बेहतरीन फैक्ट्रियां इंसान के लिए लगा दी, चलती फिरती फैक्ट्रियां कि जहां चाहे साथ ले जाए। और उसमें देखा जाए, गौर किया जाए तो जानवर खाते क्या है, ये घास, उस घास से भला इंसान खुद दूध बनाए, नहीं बना सकता। वो घास खाते हैं जिनसे वो अपनी जरूरत भी पूरी करते हैं, भूख मिटाते हैं, उनको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मिलते हैं, फिर उसका जो वेस्ट है वो भी अलग निकलता है और खून भी बनता है उससे उनका, और फिर साथ साथ इंसान के लिए गिजा उसमें बनती। अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि इंसान को, यानी दूध जमीन पे कहीं और नहीं बन सकता, कोई तरीका है ही नहीं, अगर ये मवेशी जानवर ना हो तो दूध खत्म हो जाए। कितनी जबरदस्त गिजा है जो पीने वाले के पीना भी है और खाने वाले के खाना भी है। तो इंसान क्यों नहीं गौर करता कि अल्लाह ने जानवरों को चारा खिला के तुम्हारे लिए उनके पेट में दूध बनाया और उसको इतना महफूज रखा कि कहीं किसी स्टेज पर कोई चीज मिक्सअप ही नहीं होती, ना उनका खून, ना पेशाब, ना गोबर और ना उनकी जरूरत की चीजें, वो जाके हर चीज किस तरह तकसीम हो जाती है, वो अंदर तकसीम कौन कर रहा होता है और किस मकदार से क्या चीज बननी चाहिए ये कौन डिसाइड करता है। इंसान तो उनके अंदर झांके भी नहीं देख सकता, ये सब कुछ अल्लाह करता है। इसमें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी, अल्लाह की पहचान है। और फिर ये खालिस दूध जो पीने वालों के लिए बहुत खुशगवार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि खाने और पीने दोनों की किफायत दूध के अलावा कोई और चीज कर सकती है। यानी अगर इंसान के पास खाने को कुछ नहीं और वो सिर्फ दूध पी लेता है तो दोनों ही चीजें हो जाती है, यानी खाने का हिस्सा भी पूरा हो जाता है और पीने का भी। इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशावर भी बना लेते हो, यानी अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए उसमें बेहतरीन रिस्क रखा और पाक रिस्क भी, लेकिन तुम उससे फायदा सही तौर पर नहीं उठाते। जैसे दूध तो अल्लाह ने बहुत खालिस बनाया लेकिन इंसान ने उसमें तरह तरह की मिलावटें कर दी और उसे खालिस नहीं छोड़ा, इसी तरह बाकी फलों वगैरह को भी अब्यूज किया और उससे फायदे की बजाय नुकसानदेह चीजें बनानी शुरू कर दी। यकीनन इसमें एक निशानी है अकल से काम लेने वालों के लिए। वअوحى ربك إلى النحل, खैर मवेशी जानवर तो बहुत बड़े बड़े, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ वगैरह, अल्लाह ने एक और टाइनी सी फैक्ट्री भी बनाई है या उस फैक्ट्री के वर्कर बनाए हैं जो इंसान के लिए सेहतमंद मवाद यानी शहद पैदा करते हैं। ये सारा अमल कैसे होता है? एक छोटी सी मक्खी को किस तरह अल्लाह ने सिखाया कि वो इंसान के लिए इतनी जबरदस्त चीज बनाए कि जिसमें इंसान के लिए हीलिंग है, शिफा है, गिजा भी है, दवा भी है। और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी। वही का मतलब होता है खुफिया इशारा कि जो करने वाले और जिसको किया जा रहा है सिर्फ उसको पता हो। और अल्लाह ताला मक्खियों को करते हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या कैसे होता है। छोटे से अंडे से वो निकलती हैं और किस तरह वो इतना बड़ा काम कर जाती हैं, और हर मक्खी को उसका काम सिखाया जाता है। कहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है, कैसी तरबियत होती है, क्या सिस्टम है, क्या अंदाज है। फरमाया कि तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पे ये बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और बेलों में छत्ते बनाओ और हर तरह के फलों का रस चूस कर अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहो। यानी उसकी उड़ान ना बहुत ऊंची होती है और ना जमीन पर जाके बैठती है, बल्कि एक सर्टन लेवल पर होती है।
और फिर किस तरह अपने छत्ते से निकल के जाती है, रस चूसती है और वापस अपने ही छत्ते पे आती, कहीं और नहीं चली जाती। इस मक्खी के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए, और वो सही किस्म के फूलों पर जाके बैठती, कड़वी चीजों पर नहीं या ऐसे जो शहद को खराब कर देने वाली चीजें उन पर नहीं। और फिर खुद छत्ते का बनाया जाना और उसमें रॉयल जेली का बनना और हर हर ड्रॉप को अलग से सील करना और उस पर मोम चढ़ाना, एक पूरी फैक्ट्री का काम है जो टाइनी मक्खियां कर रही होती हैं, और उस छोटी सी मक्खी के अंदर पूरे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, और किस तरह वो फोकस्ड होकर अपने काम किए चली जाती हैं और किसी और के काम में मुदाखलत नहीं करती। यखरुज मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानु फीही शिफाउन लिन्नास। और फिर हैरत की बात यह कि शहद के रंग मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ रंगों में जो गिजा होती है वो इंसान की तबीयत पे अच्छा असर डालती है, तो उसकी तरफ भी इशारा किया गया और फरमाया उसमें लोगों के लिए शिफा है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यतफक्करून, इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। वल्लाहु खलक़कुम थुम्मा यतवफ़ाकुम, देखो अल्लाह ने तुमको पैदा किया फिर वो तुमको मौत देता है, और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है, इंतहाई बूढ़ा हो जाता है, कुछ करने के काबिल नहीं रहता, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। यानी इंसान अपने इल्म पे बड़ा नाज करता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन होता क्या है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ उसको भूल जाता है। कैसी कैसी बीमारियां, अल्जाइमर, डेमेंशिया वगैरह इंसान की सारी अकड़ खत्म करके रख देती हैं, और इंसान के कंट्रोल में भी नहीं कि वो अपने भूलने पे काबू पा सके या अपने बुढ़ापे को रोक सके या अपनी किसी इस कमजोरी को कंट्रोल कर सके, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। हक यह है कि अल्लाह ही इल्म में कामिल और कुदरत में भी कामिल है। यानी असल इल्म तो अल्लाह का है जो खत्म नहीं होगा। हमारे पास तो जो कुछ है वो एक महदूद वक्त के लिए, और फिर एक वक्त के बाद वो सब ले लिया जाएगा। तो ये कितनी अल्लाह की रहमत है कि हमें उसने मौका दिया हुआ कि जो उसने सिखाया हम उस पर अमल करें और उससे फायदा उठा लें, क्योंकि एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद ये नेमत भी वापस चली जाएगी। और देखो अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर रिस्क में फजीलत अता की, ये अल्लाह की तकसीम है और इंसान इसको खत्म नहीं कर सकता। फिर जिन लोगों को यह फजीलत दी गई है वो ऐसे नहीं कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हो, ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से लोगों को इनकार है? यानी अगर अपना रिस्क अपने गुलामों को नहीं देते कि वो उनके बराबर ना हो जाए, तो यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह की कायनात जो सारी अल्लाह ही जिसका मालिक है उसमें ये औरों को शरीक कर लेते हैं? और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियां बनाई, यानी इंसान का जोड़ा इंसान से पैदा किया, किसी जिन से या किसी और जानवर से नहीं, तो जिंदगी कितनी दूभर हो जाती। और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे और फिर बेटों के बाद पोते अता किए। यानी एक तरफ तो बीवियों की कदरदानी, और फिर उनके जरिए अल्लाह ने जो सुकून दिया और फिर उनसे जो मजीद नेमतें अता की और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी, फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते जानते बातिल को मानते हैं? यानी बेहकीकत बातें मानते हैं जिनकी कोई दलील ही नहीं, और ये समझते हैं कि इनकी किस्मतें किसी और के हाथ में है, औलाद कोई और देता है, रोजगार कोई और देता है, सूरज का कोई और खुदा और चांद का कोई और है, और रिज़्क़ की देवी कोई और है। ये कहां से ये बातें आ गई? ये सब कुछ तो अल्लाह के एहसानात हैं। ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون। और ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों से इन्हें कुछ रिस्क देना है और ना जमीन से, क्योंकि उनका कुछ इख्तियार ही कुछ नहीं, वो क्या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी ये लोग उनकी तरफ मायल हैं, और ना ये काम वो कर ही सकते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो, अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम नहीं जानते। इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून। यानी अल्लाह के लिए मिसालों का मतलब क्या है कि अल्लाह को किसी आम बादशाह की तरह मत समझो, या अल्लाह ताला की सिफात को आम इंसानों की सिफात पर क्यास मत करो,
वो इन सब से बाला और बरतर है। मसलन अल्लाह ताला की कुछ ऐसी सिफात हैं जिनमें बज़ाहिर यूं लगता है जैसे बंदों के अंदर भी कुछ है, अल्लाह देखता है तो कोई कहे इंसान भी देखता है, ये सिर्फ लफ्जी मुमासलत है। अल्लाह का देखना और बंदे का देखना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर बातिन माजी मुस्तकबिल हर चीज़ देखता है, और बंदा क्या देखता है, और कुछ ही अरसे के बाद वो देखना भी उसमें भी कमी हो जाती और बगैर किसी आले के वो मजीद देख ही नहीं सकता। फिर फरमाया दरबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक्दरु अला शैइन वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना फहुवा युन्फिकु मिन्हु सिर्रन व जहरा। अल्लाह एक मिसाल देता है, एक तो है गुलाम जो दूसरे का ममलूक है और खुद कोई इख्तियार नहीं रखता, दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया है और वह उसमें से खुले और छुपे खूब खर्च करता है, यानी एक साहिब इख्तियार है और एक बेइख्तियार। बताओ क्या ये दोनों बराबर है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। बल अक्सरहुम ला यालमून, बल्कि इनमें से अक्सर बात जानते ही नहीं, यानी वो इस फर्क को महसूस ही नहीं करते। वो दरबल्लाहु मसल अर्रजुलैनी अहदुहुमा अबकम ला यक्दरु अला शैइन व हुवा कल्लुन अला मौलाहु। अल्लाह एक और मिसाल देता है, दो आदमी है, एक गुंगा बहरा है कोई काम नहीं कर सकता, अपने आका पर बोझ बना हुआ है, जिधर भी वो उसे भेजे कोई भला काम उससे बन ना आए। दूसरा शख्स ऐसा है कि इंसाफ का हुक्म देता है और खुद राह रास्त पर कायम है। बताओ क्या ये दोनों यकसा है? हरगिज भी नहीं। तो जब इंसानों में इतने बड़े बड़े फर्क हैं तो खालिक और मखलूक में कितना बड़ा फर्क हो सकता है? और जमीन और आसमान के पोशीदा हकायक का इल्म तो अल्लाह ही को है, छुपी हुई बातों का इल्म इंसानों को नहीं। और क़यामत के बरपा होने का मामला कुछ ज्यादा देर ना लेगा, मगर बस इतनी कि जितनी देर में आदमी की पलक झपक जाए और क़यामत वाकई हो चुकी होगी, यानी अल्लाह ताला को क़यामत लाने के लिए कोई मजदूर बुलाने की जरूरत नहीं कि जो आसमान को तोड़े और पहाड़ों को तोड़े और पानी के साथ कुछ करें, एक लम्हे में सब कुछ हो जाएगा। बल्कि इससे भी कुछ कम, पलक झपकने से भी थोड़ी देर में क़यामत आएगी, यानी ये भी कुछ टाइम लेती है आँख बंद होकर खुलने में। हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ न जानते थे, यानी इंसान अगर अपने पैदाइश के मरहले पर गौर करे कि जब दुनिया में आता है वो कोई पता नहीं कौन उठा रहा है, क्या खिला रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी उसका इख्तियार नहीं होता और कुछ भी इल्म नहीं होता। उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी, सोचने वाले दिल दिए, यानी वो जराया अता किए जिनसे तुम इल्म हासिल कर सकते हो, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो, यानी जिसने तुम्हें नेमतें दी हैं तुम उसके वफादार बनो। लेकिन इंसान जब इन्हीं जराए आँख कान जबान वगैरह को इस्तेमाल करके इल्म हासिल कर लेता है तो जितना ज्यादा इल्म हो जाता है फिर उतना ही अल्लाह सुबहान तआला की जात में शक करने लगता है और उसके कलाम के बारे में हुज्जतें पेश करने लगता है और उसकी इताअत के लिए तरह तरह की तावीलें और बहाने करने लगता है। तो अल्लाह ताला फरमाती है किस किस्म की शुक्रगुजारी है कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम उसी को भूल रहे हो, उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये तो शुक्रगुजारी ना हुई। क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फजाए आसमानी में किस तरह मुसख़र है? अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इसमें बहुत निशानियां उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया, उसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफर और क्याम दोनों हालतों में हल्का पाते हो, यानी लिबास के अलावा तुम्हारे लिए खैमे भी हैं, तुम्हारे मूवेबल घर, जहां जाते हो साथ ले जाते हो वहीं खैमा लगा के घर बना लेते हो। उसने जानवरों के सूफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा कर दी जो जिंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। उसने अपनी पैदा की बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए साय का इंतजाम किया। ये साहब ही अल्लाह की बड़ी नेमत है, खासतौर पर वहां जहां धूप तेज हो, सहरा हो, गर्मी हो और कोई दरख्त ना हो और कोई आड़ ओट ना हो, तो किस तरह कोई गार, कोई खो, कोई भी चीज जो साया दे इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो उस नेमत का जिक्र किया जा रहा है। पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाह गाहें बनाई, और पहाड़ों में सिर्फ पनाह गाह नहीं बल्कि उनका टेम्परेचर इतना अच्छा होता है
कि इंसान के लिए वो बाहर की गर्मी से एक बहुत बड़ी आफियत की जगह होती, और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी, ऐसा लिबास दिया जो तुम्हें गर्मी से बचाता है, और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं, यानी जरा बख्तर वगैरह। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है, शायद कि तुम फरमा बरदार बनो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर उसका इनकार करते हैं, यानी ये नेमतें उनको नजर आ रही हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं दिन रात, लेकिन फिर अल्लाह की इताअत नहीं करते, फिर उसका इनकार कर देते हैं। वह अक्सर हमुल काफिरून, और अक्सर तो इनकारी हैं या फिर नाशुक्रापन करते हैं। وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, यानी दुनिया में नेमतों का इनकार कर लें, लेकिन एक दिन तो अल्लाह के पास वापस आना है, तो उस दिन देखो क्या बनेगा, जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को ना हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा, ना उनसे तौबा और इस्तिगफार का ही मुतालबा किया जाएगा, यानी वहां जाकर किसी की भी तौबा कबूल ना होगी, वहां माफी का वक्त ना होगा। जालिम लोग जब एक दफा अजाब देख लेंगे तो उसके बाद ना उनके अजाब में कोई कमी की जाएगी और ना उन्हें एक लम्हे भर की मोहलत दी जाएगी। और जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ऐ परवरदिगार, यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़ के पुकारते थे, इकरार कर लेंगे। इस पर उनके वो माबूद उन्हें साफ जवाब देंगे, तुम झूठे हो। उस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और उनकी वो सारी इफ्तरा परदाजियां रफू चक्कर हो जाएंगी जो दुनिया में करते रहे, यानी वो सब बातें तावीलें गलत साबित हो जाएंगी जो वो कहते थे, ये तो हमें अल्लाह के करीब करते हैं और ये अल्लाह की तरफ जाने का वसीला है और ये हमें क़यामत के दिन हमारी शफात करेंगे, सब बातें झूठी निकलेंगी। जिन लोगों ने खुद कुफर की राह इख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, उन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे, दुगना। क्यों? क्योंकि एक तो खुद रुके और दूसरा दूसरों को भी रोका उस फसाद के बदले जो दुनिया में बर्पा करते रहे। وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ, और वो दिन याद रखो जब हम हर उम्मत में खुद उसी के अंदर से गवाह उठा खड़ा करेंगे और वो उस कौम का पैगंबर होगा जो उसके मुकाबले में शहादत देगा। जब अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमने पैगाम पहुंचाया या नहीं, तो वो कहेंगे कि हमने पहुंचा दिया, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में भी और फिर पिछली उम्मतों के बारे में भी उनके नबियों के लिए गवाही देंगे। और हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी जो हर चीज की साफ साफ वजाहत करने वाली है, यानी बहुत ही वाज़ह किताब है जिसका मतलब समझने के लिए कुछ बहुत बड़े झमेले की जरूरत नहीं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इसकी। वह हुदन, और हिदायत, व रहमतन, और रहमत, व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और खुशखबरी उनके लिए जो फर्मा बरदार हों। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जा रही, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है, तीन काम करने के, और तीन चीजों से रोकता है, और बुराई, बेहयाई और जुल्म और ज्यादती से रोकता है। अदल क्या होता है? हर साहिब हक को उसका हक देना, ये किसी पर एहसान नहीं होता, किसी को उसका हक देना अदल, और इस अदल का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर कोई किसी को हक नहीं देता तो ये जुल्म होता है जिससे अल्लाह ने रोका, और वो क़यामत के दिन अंधेरों का बायस होगा। अब से हक क्या है? मसलन अल्लाह को उसका हक देना बंदगी का, वालिदैन का हक अल्लाह ने रखा कि उनके साथ एहसान किया जाए, रिश्तेदारों का हक, यतीमों का, मिस्कीनों का, मसाकीन का, फुकरा का, मुसाफिरों का, फिर नेबर्स का, अपने बच्चों का, शोहर बीवी का एक दूसरे के ऊपर जो हक है। तो अल्लाह ने कुछ हुकूक लिबाद और कुछ हुकूक अल्लाह रखे, इनको जब इंसान अदा करता है और हर एक का अल्लाह ने जो हक रखा है वो देता है, तो ये अदल कहलाता है। और एहसान क्या है? किसी के हक से ज्यादा उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। मसलन वालिदैन है तो उनके साथ अल्लाह ने अदल का नहीं हुक्म दिया कि जैसा वो करे तुम भी कर लो, नहीं, उनके साथ एहसान का हुक्म दिया है। यानी कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिन पर एहसान करना लाजम है, सिर्फ अदल नहीं। अब ये एहसान क्या है? हुस्न सुलूक, नेक बर्ताव,
खुश खुलकी, दूसरे की केयर, उसके बारे में कंसर्न, और उसका कुछ भी रवैया हो, अच्छा हो या ना हो, उससे बेहतर सलूक। अनस कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि उसके पास उसका बेटा आया, उसने उसका बोसा लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बाद उसकी बेटी आई, उसने उसे अपने साथ वैसे ही बिठा लिया। तो आपने फरमाया, तुमने इनके दरमियान अदल नहीं किया, यानी बेटे का बोसा लिया और बेटी का नहीं लिया, तो इससे मना किया है। और अल्लाह के बारे में एहसान का रवैया क्या, जैसे हदीस में आता है कि अंताबुल्लाह का अन्ना का तरह हूं, अल्लाह की इबादत इतने अच्छे तरीके से करना गोया तुम उसको देख रहे हो। फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अगर तुम उसको नहीं देखते तो ये याद रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो इस तरीके पर जब ये एहसास होगा कि अल्लाह देख रहा है मुझे, तो जो वो इबादत होगी वो एक मोहसिन की इबादत होगी। और उसके साथ साथ वह ईताज़ुल क़ुरबा, खास तौर पर रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है, सिला रहमी का हुक्म देता है, क्योंकि अमूमन इंसान को रिश्तेदारों की तरफ से कुछ ना कुछ शिकायात होती हैं, क्योंकि करीब के लोग होते हैं और एक दूसरे को जानते भी होते हैं, उनकी खामियां खूबियां वो भी पहचानते हैं। तो अमूमन होता यह है कि इस रिश्ते में, यानी रिश्तेदारों के बारे में, हर कोई तवक्कुआत एक दूसरे से बहुत रखता है और वो लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। यानी चाहे वालिदैन के साथ या बहन भाइयों के, ये कोई भी, तो हर इंसान क्या चाहता है, उसके साथ अच्छा किया जाए, वो खुद करे या ना करे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, तुम देने वाले बनो, ये अल्लाह का हुक्म है। वो यनहा अनिल फहशा, और अल्लाह बेहयाई से रोकता है, चाहे वो बात में हो, चाहे अमल में हो, चाहे ख्यालात में। फहश चीजें अल्लाह को पसंद नहीं, बेशर्मी की बातें अल्लाह को पसंद नहीं, और फहशा यानी खुली खुली बुराइयां, ओपन ईविल्स जो है। वल मुनकर, और बुराई से रोकता है, किसी भी किस्म की मारूफ की जिद है मुनकर, यानी आम बुराइयां जिसे सब लोग बुरा समझते हैं और जिनके बारे में शरीयत भी उनको बुरा कहती है। वल बगी, और जुल्म से रोकता है, यानी अपनी हद से तजावज करना और दूसरे के हुकूक पर डाका डालना, या फिर किसी के साथ किसी भी तरह की ज्यादती, चाहे वो जबान से हो, चाहे हाथ से हो, किसी के माल में हो या किसी और हक में हो, यानी अदल के खिलाफ हो, या वैसे सरकशी का रवैया हो, जुल्म का रवैया, तो इन चीजों से अल्लाह ताला ने रोका है। या इज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। वऔफू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम, अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुमने उससे कोई अहद बांधा हो, यानी कोई वादा जो अल्लाह से किया हो या बंदों से, उस पूरा करना लाजिम है। और अपनी कस्में पक्की करने के बाद मत तोड़ डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह ताला कोई हरकत पसंद नहीं कि उसका नाम लेकर फिर उसके खिलाफ काम किया जाए, यानी जो बात उसका नाम लेकर की गई फिर उसके खिलाफ अमल करे इंसान। अल्लाह तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है, तुम्हारी हालत उस औरत की सी ना हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूत काटा फिर आप ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला, यानी सुबह से शाम तक काम किया और फिर किए हुए काम को जाया कर दिया। इसको एक और आसान मिसाल में देखें कि जैसे कोई शख्स खाना तैयार करता है और खाना पका के बिन में उल्टा दे सारा, ठीक है, तो कोई अकलमंद शख्स तो नहीं कर सकता। तो इसी तरह हर इंसान का जो अमल है बड़ी मेहनत से किया जाता है और फिर करने के बाद उसको जाया नहीं करना चाहिए। तो उसने मेहनत से सूत काटा फिर आप ही उसे टुकड़े कर दिया, यानी उससे कोई फायदा नहीं उठाया, अपनी मेहनत को अकारत कर दिया। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकर फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदे हासिल करे। यानी अहद क्यों तोड़ते हो, कस्में क्यों तोड़ते हो, क्योंकि तुम जब देखते हो कि कसम तोड़ने में फायदा है तो तुम परवाह नहीं करते कि अल्लाह का नाम लेके बात की गई थी, बस उस वक्ती फायदे की खातिर तुम ज्यादती कर जाते हो। तो इससे अल्लाह ने रोका है, हालांकि अल्लाह उस अहद पैमान के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है, यानी अहद शिकनी जो है एक बदतरीन बुराई है। और अल्लाह ताला ऐसे मौके क्यों ले आता है जब इंसान चाहता है कि अहद तोड़ दे, क्योंकि इंसान को अहद तोड़ने में उस वक्त वक्ती दुनिया का फायदा नजर आ रहा होता है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं, ये एक आजमाइश होती है इंसान की। और जरूर वो क़यामत के रोज तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा, अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में कोई इख्तलाफ ही ना करे तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, सबका दिल एक जैसा कर देता, सबकी एक ही सोच होती। वला कि यूं दिल में यशा वो यहदी में यशा, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। यानी अल्लाह ने इंसान को इंतखाब की आजादी दी हुई है। और जरूर तुमसे तुम्हारे आमाल की बास पुरस होकर रहेगी, तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा, कयामत के दिन इंसान के कदम हिल ना सकेंगे मैदान हशर से
जब तक कि वो चंद सवालों का जवाब न दे दे। और ऐ मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का जरिया ना बनाओ, यानी कसम खा के तुम एक वादा कर लो फिर खुद से वादा तोड़ के वो मतलब पूरा कर लो, यानी किसी खास चीज से फायदा उठाने के लिए तुम कसम खा के दूसरे को रोक दो और खुद वो काम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए। यानी अगर कोई शख्स इस्लाम की, मुसलमानों की ये सदाकत पहचानना चाहता है, जानना चाहता है, तो ऐसा अखलाक देखकर पीछे हट जाएगा। और तुम इस जुर्म के पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, बुरा नतीजा देखोगे और सख्त सजा भुगतोगे। अल्लाह के अहद को थोड़े से फायदे के बदले मत बेच डालो। और जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। यानी ये नहीं कहा गया कि बड़े फायदे हों तो फिर अल्लाह का नाम लेके तो तुम यानी कि उसको बेच डालो, अल्लाह के दीन को या अल्लाह की बातों को या अल्लाह के अहद को तोड़ डालो। मतलब ये है कि दुनिया का जो भी फायदा है वो बहुत छोटा है। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम में अहद की पाबंदी पर बहुत तलकीन की गई है। यानी एक कमिटमेंट को निभाना और एक अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना, और यानी कि जो उसमें मुआहदे होते हैं, उकूद होते हैं, अहद होते हैं, चाहे बंदों के आपस में या अल्लाह से किए गए हों, उनको निभाना बहुत ज़रूरी है। और ये इस्लाम का एक शार है, इसकी खिलाफ वर्जी बहुत बदतरीन बुराई है। इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, जो कुछ अल्लाह के पास है तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इंसान फायदों की खातिर ही, यानी कोई थोड़ा सा भी फायदा हो रहा होता है तो वादा तोड़ देता है। फरमाया कि ये हकीर फायदों के लिए वादे मत तोड़ो, जो अल्लाह के पास है वो ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, जो तुम्हारे पास है खत्म हो जाने वाला है, फना हो जाने वाला है, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और हम जरूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक देंगे। नहीं, जितने अच्छे काम होंगे उतना ही बड़ा अजर उनके लिए होगा, या जितना किसी तकलीफ पर ज्यादा सब्र उन्होंने किया होगा उतनी ही उनकी शान और शौकत बढ़ जाएगी, अजर बढ़ जाएगा। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्था, जो भी नेक काम करे खा मर्द हो या औरत, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वह हुआ मोमिनुन, शर्त यह कि मोमिन हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसे दुनिया में पाकीजा जिंदगी बसर कराएंगे, यानी दुनिया में भी फायदे देंगे, दुनिया में भी कामयाबियां होगी। वलनजियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अजर उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक बख्शेंगे। ये बात हम सबको मालूम है कि जन्नत के 100 दर्जे, और हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक अपने दर्जे पे जाके पहुंचेगा। दुनिया में तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्जे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हों, हालांकि वो आर्जी हैं, कोई बड़ा हो छोटा हो सबने चले जाना है, लेकिन आखिरत उसके दर्जे तो पायदार हैं। तो अकलमंद शख्स हमेशा आखिरत के दर्जात की बुलंदी की फिक्र करेगा। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम मर्दूद शैतान से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, यानी अपने आप को अल्लाह के हवाले करो। शैतान चूंकि इंसान का दुश्मन है तो वो उस वक्त और ज्यादा होशियार हो जाता है जब इंसान कुरान की तरफ आता है ताकि उसको भटकाए। तो उस वक्त इंसान को औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम पढ़ लेनी चाहिए ताकि शैतान उसके ख्यालात या वसवसे डाल के उसके अंदर हक से ना फेर दे उसको, जो आयत जिस माने की है वही उससे समझ आए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा नहीं कि शैतान को तुम पर कोई काबू है या जोर है, उसे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं, उसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना सरपरस बना लेते हैं, यानी उसकी बातें मानते हैं और उसके बहकाने से शिर्क करते हैं। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं कि तुमने ये खुद घड़ लिया। कालू इन्नमा अंत मुफ्तर, ये कुरान तुम खुद बना के ले आते हो। बल अक्सर हम ला यालमून, बल्कि उनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين, इनसे कह दीजिए इसे तो रूहुल कुदुस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से
बतदरीज नाजिल किया है, नज़लहू थोड़ा थोड़ा करके उतारा है, ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता करे। यानी थोड़ा थोड़ा आने का मकसद क्या था कि लोग उस पर अमल करके इस्तिकामत इख्तियार करें, फिर मजीद बोझ उन पर डाला जाए और फर्मा बरदारों को जिंदगी के मामलात में सीधी राह बताए, हिदायत दे और उन्हें आखरत की कामयाबी की खुशखबरी दे। हमें मालूम है कि ये लोग तुम्हारे मुतल्लिक कहते हैं कि इस शख्स को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है। उनका इशारा था एक गुलाम की तरफ जिसको उन्होंने देख लिया था तौरात पढ़ते, कहा कि ये है वो शख्स जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कुछ बातें सिखाता है और फिर आप उसे कुरान की शक्ल में पेश कर देते हैं। हालांकि इनका इशारा जिस आदमी की तरफ है उसकी जबान अजमी है और ये साफ अरबी जबान है। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की आयात को नहीं मानते, अल्लाह कभी उनको सही बात तक पहुंचने की तौफीक ही नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। झूठी बातें नबी नहीं घड़ते, झूठ तो वो लोग घड़ रहे हैं जो अल्लाह की आयात को नहीं मानते, वही हकीकत में झूठे हैं। जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफर करे, वो अगर मजबूर किया गया हो और दिल उसका ईमान पर मुतमैन हो तो खैर, मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफर कबूल कर लिया यानी इस्लाम से फिर के उस तरफ चला गया, उस पर अल्लाह का गजब है और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। असल में उस जमाने में चूंकि बहुत टॉर्चर किया जाता था उन लोगों को जो इस्लाम ले आते थे, तो फिर कुछ लोगों को बाज़ औक़ात अपने जान बचाने के लिए कोई ऐसी बात कहनी पड़ जाती थी कि उनकी जान छूट जाए, तो उस पर उन्हें रुख्सत दी जा रही है कि ठीक है अगर कोई ऐसा मरहला है तो उस वक्त छोटी मोटी बात अगर तुमने ऊपर से कह भी दी तो बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिल से कही तो फिर पकड़ हो जाएगी, दुनिया से तो छूट जाओगे मगर आखिरत में पकड़े जाओगे। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया और अल्लाह का कायदा यह है कि वो उन लोगों को राह निजात नहीं दिखाता जो उसकी नेमत की नाशुकरी करें। ये वो लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी, ये गफलत में डूब चुके हैं, जरूर है कि आखिरत में यही खसारे में रहें। बखिलाफ इसके जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की, राह खुदा में सख्तियां झीली और सब्र से काम लिया, यानी उन्होंने कोई बात ऐसी अपनी जबान से भी नहीं निकाली, वो जगह छोड़ दी लेकिन जब अल्लाह पर ईमान लाए तो बस फिर ले ही आए। उनके लिए यकीनन तेरा रब गफूर रहीम है। इन सब का फैसला उस दिन होगा जबकि हर शख्स अपने ही बचाव की फिक्र में लगा हुआ होगा। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, ये बहुत ही डरने वाली आयत है कि क़यामत के दिन हर शख्स इस हाल में आएगा कि अपना दिफा करोगा, अपने बारे में बहस कर रहा होगा, अपने ऊपर से इल्जाम धो रहा होगा, अपने लिए झगड़ रहा होगा और हर एक को उसके किए का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। नहीं, इस झगड़ने से फायदा कुछ भी ना होगा, मिलेगा वही जो दुनिया में करते रहे और किसी पर जरा बराबर जुल्म ना होने पाएगा। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है, वो अमन व इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रही थी, हर तरफ से उसको बफरागत रिस्क पहुंच रहा था कि उसने अल्लाह की नेमतों का कुफरान शुरू कर दिया, नाशुकरी शुरू कर दी जैसे मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, यानी जब पैगंबर बन के आए, तब अल्लाह ने उनके बाशिंदों को उनके करतूतों का यह मजा चखाया कि भूख और खौफ की मुसीबतें उन पर छा गईं, उन पर कहत नाजिल हो गया था। उनके पास उनकी अपनी कौम में से एक रसूल आया मगर उन्होंने उसको छुटला दिया, आखिरकार अजाब ने उनको आ लिया जबकि वो जालिम हो चुके थे। यानी फिर उनके सारे सरदार मक्का से जंगे बदर के लिए मदीना आ गए और उनकी शामत आ गई। बस ऐ लोगो, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रिस्क तुमको बख्शा उसे खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो अगर वाकई तुम उसी की बंदगी करने वाले हो। यहां फिर एक बार हलाल और पाक खाने का हुक्म दिया जा रहा है जो कि दीन का अव्वल तकाजा है, क्योंकि खाना पीना ऐसी चीज है जो इंसान को रोज जरूरत पड़ती है। अल्लाह ने जो कुछ तुम पे हराम किया है वो है मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, यानी गैर अल्लाह के नाम की नजरों न्याज। अलबत्ता भूख से मजबूर होकर अगर कोई इन चीजों को खा ले बगैर इसके कि वो कानून इलाही की खिलाफ वर्जी का ख्वाहिशमंद हो या हद जरूरत से तजावुज का मुर्तकिब हो तो यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। वला तखूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा,
हाजा हलाल व हाजा हराम लितफ्तरु अलल्लाहिल कذب इन الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم। और ये जो तुम्हारी जबानें झूठे अहकाम लगाती कि ये चीज हलाल है और वो हराम, यानी खुद से खुद फैसला करी हराम हलाल का, हालांकि अल्लाह ने उन्हें इसका इख्तियार नहीं दिया। इस तरह के हुक्म लगाकर अल्लाह पे झूठ ना बांधो, यानी खुद से ये फैसले मत करो। जो लोग अल्लाह पर झूठे इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज फलाह नहीं पाते। दुनिया का ऐश चंद रोजा है, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक सजा है। वो चीजें हमने खास तौर पर यहूदियों के लिए हराम की थी जिसका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं। इशारा सूरत अल अनाम की आयत 146 की तरफ, जिसमें वो अलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्लज़ी ज़ुफ़र पर बात की गई थी कि हर नाखून वाले जानवर उनके लिए हराम थे। और ये उन पर हमारा जुल्म न था बल्कि उनका अपना ही जुल्म था जो वो अपने ऊपर कर रहे थे, यानी उनकी गलतियों की वजह से उन पर चीजें हराम हुई। अलबत्त जिन लोगों ने जहालत की बिना पर बुरा अमल किया और फिर तौबा करके अपने अमल की इस्लाह कर ली, तो यकीनन तेरा रब तौबा और इस्लाह के बाद उनके लिए गफूर रहीम है। और ये हुक्म सबके लिए है, भूल चूक माफ है। इंसान अगर अपनी गलती का इतराफ कर ले और अल्लाह से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। वाकई ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जात में एक पूरी उम्मत थे, यानी अकेले एक उम्मत का काम किया उन्होंने। जब कोई मुसलमान न था तो वो अकेले दुनिया में मुसलमान थे, और फिर उनके साथ उनके भतीजे और जो उनकी वाइफ थी हजरत सारा वो ईमान लाई, और फिर जब वो वहाँ से निकले इराक से अपने वालिदैन को छोड़कर सब को छोड़कर, तो एक इलाके में अपने भतीजे को बसाया। फिर जब अल्लाह ने औलाद दी तो एक बेटे को फलस्तीन में इस काम के लिए मुकर्रर किया, दूसरे को मक्का में ला के बसाया, और खुद घूम फिर कर मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग करते रहे। यह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो आज से 4000 साल पहले इंसानियत के दर्द में और उनकी खैरख्वाही में अपने हर रिश्ते को और अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान किए हुए हैं और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। यानी वो अकेले हैं मगर उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिखाया। तो किसी भी इंसान की अगर नीयत सच्ची हो, खालिस हो, इखलास हो उसके अंदर, तो वो अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है जो लोगों की एक बड़ी बड़ी जमात नहीं कर पाती। ये अल्लाह ताला का इनाम होता है इखलास की वजह से। अल्लाह का मुतीय फरमान और यकसू, इसके लिए शर्त यह कि इंसान यकसू हो, बहुत सी चीजों में इधर उधर नहीं उसकी तवज्जो हो। और वो कभी मुशरिक न थे, यानी उनकी सारी चीजें सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस थी, और उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मालूम था और वो उसी के लिए कोशिश करते रहे। और उनकी सिफात खास तौर पर क्या थी कि शाकिरन लिअनअमिही, अल्लाह की नेमतों के शुक्र अदा करने वाले थे। इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह ने उसको चुन लिया और उसको सीधे रस्ते की हिदायत दी, तो अल्लाह ने उसको दुनिया में भी भलाई दी और आखिरत में भी वो नेक साले लोगों में से उठेंगे। वो आतैनाहु फिद दुनिया हसना, अल्लाह ने, आप देखिए जितनी दफा भी वहां जाओ ऐसा लगता है कि दिल भरा ही नहीं। तो ये सब कुछ अल्लाह सुभान व तआला की एक खास रहमत है उस अपने उस बंदे पर कि जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी। वह इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में भी सालिहीन में से होंगे। थुम्मा औहैना इलैक अन तत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, फिर हमने आपकी तरफ वही की कि मिल्लत इब्राहिम की यकसू होकर पैरवी करें जो मुशरिकीन में से न थे। रहा सब तो वह हमने उन लोगों पर मुसल्लत किया जिन्होंने उसके अहकाम में इख्तलाफ किया, और यकीनन तेरा रब क्यामत के रोज इन सब बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दीजिए हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ। यानी लोगों को जब अल्लाह की तरफ बुलाना हो तो सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत और खैरख्वाही से, नरमी से बात करनी चाहिए, क्योंकि नरमी में जो खैर है वो सख्ती में नहीं। वजा दिल हम बिल्लती ही अहसन, अगर बहस भी करनी पड़े तो उस तरीके पर जो बेहतरीन हो, क्योंकि ये अल्लाह के दीन की बात है। तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसकी राह से भटका हुआ है और कौन राह रास्त पर है। और अगर तुम लोग बदला लो तो बस उसी कदर लो जिस कदर तुम पे ज्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन ये सब्र करने वालों ही के हक में बेहतर है।
यानी जब इंसान किसी को अल्लाह की बात बताए और जवाबन मुखालफत का सामना करना पड़े तो इंसान फौरन गुस्से में नहीं आ जाए और जवाबी मुकाबला ना करने लगे बल्कि सब्र से काम ले, तो वो लोग भी जो दीन से भागते हैं वो दीन की तरफ लौट आएंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। यानी जब इंसान समझे कि सब्र नहीं हो रहा तो अल्लाह से मदद मांगे कि वो उसको ऐसी चीजों पर ऐसी मुश्किलात के मुकाबले की तौफीक दे। इन लोगों की हरकत पर रंज ना कीजिए और इनकी चालबाजियों पर दिल तंग ना हो। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा से काम लेते हैं और वो जो मोहसिन होते हैं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़ौ वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, वो जो अल्लाह से डर कर बुरे काम छोड़ देते हैं और हमेशा नेकियों की तलाश में रहते हैं, भलाई की तरफ लपकते हैं और एहसान के दर्जे पे काम करते हैं। वह आखिर दावाना अनिलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये आज का पारा मुकम्मल हुआ। अगर इस बारे में आप अपने तासरात का इजहार करना चाहें, कोई बात मजीद ऐड करना चाहें, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहें जो आपने इसमें से सीखी, तो मोस्ट वेलकम। सूरत नहल में स्टार्ट में मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने शुरू के आयात में अपनी नेमतों का बहुत अच्छा तरह से जिक्र किया है। जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं बेशुमार नेमतों का जिक्र है। उसके बाद ये कि आगे आने वाले आयतों में फिर ताला कहते हैं कि अब इन नेमतों का एहसास करके हमको, यानी हमको जवाब में करना क्या है, कि जैसे से बताया है कि हमें मतलब हुकूक अदा करने हैं, अपने अपने इंसानों के हुकूक, अल्लाह के हुकूक। अच्छा, जो नेमतों का जो जिक्र है ना, दो चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करी, जिसमें एक तो दूध का जिक्र और दूसरा शहद का। अच्छा, दूध और शहद, अब देखें कि अल्लाह ताला ने कोई रेडीमेड नहीं भेजे हमारे लिए, एक बहुत प्रोसेस के बाद ये चीज़ तैयार होती है, बहुत मेहनत के बाद। अब ये इंसान के लिए उसी वक्त फ़ायदेमंद है कि ये बिल्कुल खालिस हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि इंसान खुद ही मिलावट करता है और अपने लिए ही, हमारे अपनी ज़ात के लिए नुकसानदेह होता है। इसी तरह अगर हम ये देखें, इसको थोड़ा सा रिलेट करें कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम दीन का काम करें, तो हमें मतलब बैठे बैठाए हम लोग ये नहीं कर सकते कि हमने कुछ सोचा वो काम हो गया। उसके लिए एक तो नंबर वन मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा ये कि वो खालिस, यानी उसमें जब तक इखलास नहीं होगा, अल्लाह ताला के लिए खुलूस नहीं होगा, वो अल्लाह के लिए भी काबिल कबूल नहीं है और हमारे लिए भी फायदेमंद नहीं है। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि अल्लाह ताला ने बंदों पर कितना रहम किया और कितनी रहमत है कि सारी कायनात अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ बंदों के लिए बनाई है, और अल्लाह ताला हमसे इसके लिए सिर्फ हमारी फरमाबरदारी और ताज चाहता है, जो हमें खालिस होकर उसके लिए करना है। तो हम बंदे क्यों नहीं उसका इतना एहसान मानते हैं या इसको इतना अपने लिए अप्लाइज करते कि अल्लाह ने हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ वो हमारे लिए चाहता है, तो हम इसके लिए खालिस क्यों नहीं होते? ये मेरा खुद ही अपने आप से सवाल है कि हमें इस पर सोचना और गौर। इसके लिए ये है कि इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह की नेमतों पर गौर करेगा, उनकी कदरदानी करेगा, फिर उतना ही उसके अंदर एहसास पैदा होगा और वो अपने आप को बेहतर बनाएगा कि उसने तो हमें हर चीज़ बेहतरीन दी, चाहे वो फल हो या दूध हो या शहद हो या कुछ भी, लेकिन हमारे अमल खालिस नहीं है। कुरान के बारे में ये आयत इस सूरत में रिपीट हुई है कि हिदायत भी है, रहमत भी है और खुशखबरी भी है। ये तीन इतनी बड़ी रहमतें अल्लाह ताला की कि अगर जिसको ये मयसर हो जाए तो उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। लेकिन फिर किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, कि जो फर्मा बरदार होंगे उनके लिए ये कुरान जो है, हिदायत भी है, रहमत भी है और खुशखबरी भी है। इससे पहले जो हमने सूरह का जिक्र किया हिजर, और इसमें अमेजिंगली पहले इब्लीस का जिक्र आया, जिसमें उन्हें मतलब उसका वीक पॉइंट शायद था कि सजदा, ही कुडंट डू सजदा, और उसे वही टेस्ट दिया गया। उसके बारे में वी सॉ अबाउट लूत अली सलाम्स वाइफ, और उनकी वीकनेस थी कि यू नो शी वाज वेरी अटैच्ड टू हर पीपल, और इसलिए टेस्ट में कहा गया कि पीछे मुड़कर ना देखो। सो एट टाइम्स हमारे साथ भी लाइक यू नो वी शुड अंडरस्टैंड और नो कि हमारा वीक पॉइंट्स क्या है, बिकॉज मतलब अल्लाह सुबहान तआला हमेशा एक ईजी टेस्ट नहीं देते हैं। एंड सो मुझे लग रहा है कि हमें अपनी ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, नो आर वीक पॉइंट्स के कहाँ कहाँ हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, और उन एरियाज में हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थ्रू आउट दिस सेशन व्हाट आई टुक आउट फॉर माई सेल्फ वॉज दैट आई नीड टू फुलफिल माई कमिटमेंट्स।
उसमें ये है कि इफ आई एम सेइंग समवन और आई एम कमिटिंग टू समवन दैट आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स देन आई नीड टू कीप इन फोकस दैट 5 मिनट्स मीन्स 5 मिनट्स एंड आई थिंक इट इज वन थिंग व्हिच आई रियली नीड टू इम्प्रूव इन माई सेल्फ दैट इवन दो आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग एंड आई कमिट माई सेल्फ टू इट इट इज जस्ट इन साइड माई माइंड एंड आई डोंट टेल द अदर पर्सन वट आई एम प्लानिंग टू डू और आफ्टर हाउ मच टाइम एंड दे take it for my slackness or laziness which then results in bad relationships or bad commitments so after this lesson inshallah I will try my level best to fulfill my commitments mujhe isme suratul hijr mein ek to ye hai ki jo ye in jin pe azab aaya to wo jo azab ki jagah thi wo bilkul yani tijarati shahrah pe thi ki jahan se logon ka guzar hota tha और ये ऐसी जगह पे इसलिए रखा गया कि आप देखें कि ये भी एक आजमाइश थी लोगों के लिए अब अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है एक मतलब टूरिस्ट रिजॉर्ट सॉर्ट ऑफ बन गया है क्योंकि ये जो बहरे मुर्दार है तो इस पे चीज़ें फ्लोट करती हैं ऊपर से तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को इसके ऊपर फ्लोट करना और ये बहुत वहाँ से लोग कमा रहे हैं जो वहाँ के लोग हैं और दूसरे हमारे मुसलमान भी और उनको हम बताते भी हैं फसीरु फिल कुरान कहता है लेकिन ऐसा तो नहीं कि अजाब के मकामात को आप तफरीगा बना लें और वहाँ पर घूमें फिरें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जैसे कि आपने बताई कि मतलब वहाँ पर जो अजाब के मकामात हैं वहाँ से गुजरने का क्या तरीका है लेकिन इसको अब हम मुसलमानों के पास क्योंकि ना कुरान है और ना ही हदीस का इल्म है कि वो इस चीज़ को जानें मुझे जो सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ इसमें ना सूरत में लगी है हज़रत इब्राहिम की पर्सनैलिटी को जो अल्लाह ताला ने मतलब बताया है हम लोगों को कि दो चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा थी एक तो वो यकसू थे और एक वो शिर्क नहीं किया करते थे तो जब हम अल्लाह की तरफ यकसू हो जाएंगे तो फिर हमारी कोशिश भी ये होगी कि हम शिर्क ना करें कम अज़ कम जी इस बारे में सूरत अल-हिज्र की आयत नंबर 3 में मुझे जो जिसे मैं रिलेट करना चाहूँगी कि एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जिसके अंदर 3 चीज़ें हों वो एक कामयाब लीडर या कामयाब इंसान नहीं बन सकता और वो क्या 3 चीज़ें हैं एपेटाइट प्लेजर्स और एस्पिरेशंस तो इसको अगर हम इस आयत के साथ सूरत अल-हिज्र के साथ हम उसको कनेक्ट करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या कुलू यानी खाना पीना यानी एपेटाइट व या तमत्ताउ और यानी हर वक्त फन डिज़ायर्स प्लेजर्स की तलाश में रहना और नंबर 3 युल्हीहिमुल अमल कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करना तो बहैसियत नेशन उम्मत मुस्लिमा हमने देखना है कि क्या हमारा मकसद सिर्फ खाना पीना सिर्फ फन की तलाश में रहना डिज़ायर्स और प्लेजर्स को देखते रहना और सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स ही करना रह गया है या हम अपने मकसद पर फोकस्ड हैं जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी थी नाज़रीन इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है इजाज़त चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू